हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु एमबीए रैंक लिस्ट के बारे में। आपकी जो रैंक लिस्ट है वो कब तक रिलीज की जाएगी, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है वीडियो में। मेक श्योर कि वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका एमबीए की जो रैंक लिस्ट है वो रिलीज की जाएगी 22 जुलाई को। ये पूरा आर्टिकल जो है अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट ऑफ getmyuni.com। इस पर जाकर आर्टिकल चेक कर लीजिएगा। डाउनलोड के स्टेप भी इसमें इंक्लूड है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और उस पर आर्टिकल भी अच्छी तरह लिखा हुआ है। छोटा सा अपडेट है, इसमें डाउनलोड के स्टेप भी इंक्लूड है और एक छोटी टेबल भी बनी हुई है। बाकी टाइमिंग जो है वो तकरीबन 6 PM के अराउंड है, शाम के 6 बजे के आसपास, क्योंकि जनरली जो अलॉटमेंट रिलीज की जाती है वो शाम के वक्त ज़्यादातर रिलीज की जाती है, शाम के 6 से रात के 9 बजे। ये इस टाइम ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अलॉटमेंट के आने की, और बाकी जो रैंक लिस्ट है वो इसी टाइम में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, अराउंड 6 PM। अब दोपहर में आ सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जनरली अलॉटमेंट जो होते हैं वो शाम के वक्त ज़्यादा रिलीज की जाते हैं, दोपहर में आते हैं लेकिन कम आते हैं। और इसको डाउन कैसे करना होगा उसके स्टेप देख रहे होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पर आपको लिंक मिलेगा रिक्रूटमेंट के टैब में या फिर लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में, जहाँ पर भी लिंक दिखे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, और फाइनल लॉगिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो शो जाएगा स्क्रीन पर। इस तरह स्टेप को फॉलो करके आप अपने आसानी से डाउन कर पाएंगे अपने रिजल्ट को, और चेक कर पाएंगे और डाउन कर पाएंगे, और सेव कर लीजिएगा उसको फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। थैंक यू।